बांदीकुई न्यूज पर खबर प्रकाशित होने के बाद बांदीकुई प्रशासन दिखा एक्शन मोड पर। बांदीकुई उपखंड प्रशासन दिखा एक्शन में। उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में बाजार में की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर बांदीकुई प्रशासन आया आज एक्शन में। स्थानीय प्रशासन ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार की गाइडलाइन की कराई पालना। इस दौरान कई दुकानदारों के प्रशासन ने काटे चालान। लावारिस खड़ी बाइकों के प्लग का कैप सहित बाइकों की निकाली गई हवा। शहर के गलियों में दुकान सहित व्यावसायिक मॉल्स में प्रशासन ने पहुंच बिना मास्क बैठे दुकानदारों के काटे चालान। एसडीएम नीरज मीणा के नेतृत्व में कई दुकानें भी की गई सीज। काटे गए चालान। थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा सहित नगर पालिका जस्ता रहा मौके पर मौजूद। आइए देखते हैं बांदीकुई से राजकुमार चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे केसों के बाद कल एसडीएम बांदीकुई उपखंड अधिकारी नीरज मीणा में पुलिस जाब्ते के मार्केट में पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने जाकर के खुद ने प्रतिष्ठानों को चेक किया है। जहाँ लोग जो दुकानदार है वो जो दुकानों के बाहर अगर उनको मिले हैं तो उनके खिलाफ उन्होंने चालान किया कार्रवाई की है। और पूरे बाजार के अंदर गलियों के अंदर खुद उपखंड अधिकारी में जाब्ते के पहुंचे। बांदीकुई थाना अधिकारी उनके साथ थे। यहाँ की जो नायब तहसीलदार बांदीकुई है धर्मेंद्र मीणा वो उनके साथ थे। नगर पालिका के एसआई उनके साथ थे। यानी नगर पालिका पुलिस बल और जो उपखंड अधिकारी का उपखंड कार्यालय का जो जाब्ता था वो आज रहा है यहाँ पे। और कार्रवाई की गई है बाजार के अंदर जो गली नुक्कड़ों पे जो गलियों के अंदर जो दुकानें खुली थी बाजार में जो लोग दुकानों की शटर बंद करके जो अंदर ग्राहकों को लेकर के जो दुकानदारी करने में लगे हुए थे जो कोरोना को लेकर के किसी तरीके की यहाँ सतर्कता नहीं बरत रहे थे। आज प्रशासन खबर प्रकाशित होने के बाद अरे भैया मैंने इसको बिल्कुल मत खोलना। फिर से एक बार झारखंड में तो सीज कर प्रशासन पूरे बाजार में पहुंचा है और हर दुकान पे जाकर के लोगों को समझाइश किए कार्रवाई यहाँ की है। चालान यहाँ पे किए गए। कुछ दुकानों को सीज की कार्रवाई भी यहाँ की गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो काफी सख्त हो गया है। कल खबर प्रकाशित होने के बाद जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। और खुद उपखंड अधिकारी भी इस कार्रवाई में सम्मिलित होकर के बाजार में पहुंचे हैं। और प्रशासन ने उपखंड अधिकारी नीरज मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है। मैं बांदीकुई से राजकुमार चतुर्वेदी A1 TV।